सो गाइस यहां पर एक दो नहीं अनलिमिटेड वेज हैं आपके एफिलिएट लिंक को प्रमोट करने के लिए। उनमें से सात ऐसे तरीके जहां पर आप अपना एफिलिएट लिंक प्रमोट कर सकते हो, वो तरीके मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। टॉप सेवन वेज टू प्रमोट योर एफिलिएट लिंक, सेवन वेज टू प्रमोट योर एफिलिएट लिंक। तो अगर आप इस चीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखते रहना, इस वीडियो को करना लाइक, अगर कोई भी समस्या हो तो नीचे करना कमेंट या अप्रिशिएट करना मुझे इन कमेंट्स में। एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जा सके। So let's go. So guys, सबसे जो पहली चीज है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा अगर आप फ्री में एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो वो है YouTube। गाइज YouTube इसलिए क्योंकि गाइज YouTube के पास एक पोटेंशियल है, एक ऑटोमेटिक SEO पूरा एक ब्रांच है, मैं आपको बोल सकता हूँ एक ऑटोमेटिक टूल है उनके पास जो आपके वीडियोस को ऑटोमेटिकली रैंक कराता है अगर आपके वीडियोस में दम है तो। यस गाइस, तो अगर आप करना चाहते हो स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फ्री ट्रैफिक के साथ तो YouTube इज द फर्स्ट ऑप्शन। आप रिव्यूज डाल सकते हो, आप क्या कर सकते हो जो प्रोडक्ट है उसके ही वीडियोज उठा के डाल सकते हो, वहां अपना नीचे रेफर लिंक्स दे सकते हो एंड आप उसके बारे में बता सकते हो लोगों को, मतलब खुद ही रिव्यू दे सकते हो या आप जो एनिमेटेड वीडियोस होती हैं वो डाल सकते हो। सो YouTube इज द फर्स्ट चॉइस। सेकंड, सो गाइज जो सेकंड चीज है दैट इज कॉल्ड फेसबुक। गाइज आपको पता है फेसबुक के पास कितना ज्यादा पोटेंशियल है, कितने ज्यादा लोग फेसबुक पे डेली ऑन रहते हैं, बिलियंस ऑफ बिलियन पीपल हैं जो फेसबुक पे डेली ऑन रहते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप वहां मेहनत करके, मतलब खुद काम करके, अपना टाइम देके आप अच्छा खासा ट्रैफिक गेन कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां पर आप अपने लिंक्स पोस्ट कर सकते हो। अब लिंक कैसे पोस्ट करना है अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, तो आप इस वीडियो का हेल्प ले सकते हो कि कैसे आप लिंक पोस्ट कर सकते हो ऑन फेसबुक। नेक्स्ट गाइज लिंक्डइन। लिंक्डइन आपके ने सुना होगा बहुत बार कि ये B2B प्लेटफॉर्म है। यस, ये B2B प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है बिल्डर अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप चाहते हो क्या कि आप डिजिटल मार्केटर को सेल करो, आप बिजनेस पर्सनालिटीज को सेल करो, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन में एक अपना ब्रांड, एक अपनी प्रोफाइल बना सकते हो जहां आप टूल्स के बारे में लोगों को बता सकते हो अपने पोस्ट के द्वारा। तो ये जो है ये एक थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है, मतलब आपको पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने आप को, अपने पोस्ट को, देन आप धीरे धीरे लोगों से कनेक्ट करोगे एंड उनको आप सेल कर सकते हो। बट वो लोग जो है वो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर उसको लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे बिकॉज वो उस प्रोफेशन में है और जो लिंक्डइन है वो B2B प्लेटफॉर्म है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का इस गेम में। नेक्स्ट गाइज पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा कि पिंटरेस्ट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां आप फोटोज डाल सकते हो, आप अपने लिंक्स पे क्लिक करा सकते हो एंड अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो बहुत ही ज्यादा इजीली। तो अगर आपने कभी पिंटरेस्ट को यूज नहीं किया तो आप पिंटरेस्ट को जरूर यूज करो अगर आप फ्री ट्रैफिक गेन करना चाहते हो। ये भी टाइम लेता है, कम से कम 2 से 3 महीने आपका लेगा और वहां आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग पोस्ट करके अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि 2 से 3 महीने ही मतलब लेगा, या उससे ज्यादा भी ले सकता है, उससे कम भी ले सकता है, हो सकता है आपका पोस्ट एक दिन में भी वायरल हो जाए। नेक्स्ट गाइज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के बारे में हर किसी ने सुना होगा कि इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम कैसे यूज होता है, ठीक है, वैसे ही सेम प्लेटफॉर्म पिंटरेस्ट भी है बट इंस्टाग्राम है यूजुअली जो लोग हैं, जो लोग मेकअप्स के बारे में बताते हैं, जो लोग हेल्थ केयर के बारे में बताते हैं, जो फूड्स के बारे में बताते हैं। देखना यहाँ 3-4 इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा चलती है, मैंने बोला मेकअप एंड फूड एंड आपका हो गया जिम। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, एक्सरसाइज हेल्थ इंडस्ट्रीज, ये बहुत ज्यादा चलती है इंस्टाग्राम में। तो अगर आप का नीश है रिलेटेड टू हेल्थ इंडस्ट्री, सो आप इंस्टाग्राम पर भी जाके फ्री ट्रैफिक काफी तेजी से गेन कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपका नीश सॉफ्टवेयर्स है या मेक मनी ऑनलाइन वेल्थ है तो आप वहां पर ट्रैफिक जनरेट नहीं कर सकते, बट उन सारी चीजों के लिए वहां ट्रैफिक थोड़ा स्लो जनरेट होता है। लेकिन अगर आपका नीश हेल्थ है तो आप इंस्टाग्राम में देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि आप बहुत तेजी से वहां ग्रो हो रहे हो। अगर आपने काम किया है या फ्यूचर में आप जब करोगे तो इस चीज को ऑब्जर्व करना कि इंस्टाग्राम पे जो चीजें मैंने बताई है जो काफी फास्ट काम करती है। तो अगर आप नीश है वो रिलेटेड टू हेल्थ है या मेकअप है दैट थिंग्स, तो आप बहुत तेजी से इंस्टाग्राम से भी फ्री ट्रैफिक गेन कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस ब्लॉग।
ब्लॉगिंग, इसका मतलब होता है ब्लॉगिंग। आपने सुना होगा ब्लॉगिंग के बारे में, लोग बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं ब्लॉगिंग से, ये वो। सो गाइज एक चीज मैं बताऊं, इसको सजेस्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि मैं ब्लॉगिंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता इन 2019, बट मुझे आपको बताना है कि ये जो चीजें हैं ये फ्री ट्रैफिक देती हैं, तो मैं इसलिए इस चीज को यहाँ पर रखा हूँ, पुट कर रहा हूँ। बिकॉज जो ब्लॉगिंग है वो एसईओ का खेल है, तो एसईओ एक अलग ही पूरा सब्जेक्ट है। अगर आपको एसईओ नहीं आता तो आपका ब्लॉग जो है वो जल्दी रैंक नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि आप जल्दी अर्निंग नहीं कर सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एसईओ जानते हो या आपको इंटरेस्ट है लिखने में, आप अच्छा खासा लिखना जानते हो, तो आपके लिए ब्लॉग एक बहुत ही अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत ज्यादा फ्री ट्रैफिक गेन कर सकते हो। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आपको एड रेवेन्यू से अर्निंग करनी है, आप चीजों को सेल करके काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लाइक दैट जो ब्लॉगर्स हैं आजकल वो चीजों को सेल करते हैं एंड अपने आप को एफिलिएट मार्केटर कहते हैं, बट वो एग्जैक्ट एफिलिएट मार्केटर तो नहीं है, बट वो क्या कर रहे हैं, ब्लॉग को एज अ ट्रैफिक टूल यूज कर रहे हैं एंड अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं एंड उससे काफी ज्यादा अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो लिखने में और आपको आता है एसईओ, तो आप ब्लॉग के साथ जा सकते हो। सेवन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर मैं इसको बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड पेड एडवर्टाइजमेंट। यस गाइस, मुझे पता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आप कैसे फ्री में चीजों को प्रमोट कर सकते हो, बट ये छह जो तरीके हैं वहां पर आप चीजों को फ्री में प्रमोट कर सकते हो, बट ये सातवां जो तरीका है वो पूरा गेम चेंजर है। पेड एडवर्टाइजमेंट मतलब आपके पास बींग एड्स है, सोलो एड्स है, आपके पास गूगल एड है, आपके पास फेसबुक एड है, पुश नोटिफिकेशन है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर आप पेड एड्स के द्वारा अपना जो गेम है वो बहुत ही तेजी से चेंज कर सकते हो। इवन वन डे, एक दिन में चेंज कर सकते हो पेड एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज आपको यहाँ पर कुछ अपने हाथ से मैन्युअली नहीं करना होता है, आपको बस इन्वेस्ट करना रहता है कुछ अमाउंट पेड एडवर्टाइजमेंट में, और वो आपको ला के देते हैं लीड, ट्रैफिक एंड सेल। तो गाइस पेड एडवर्टाइजमेंट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इस समय में, तो मैं आपको बोलूंगा सीधा पेड एडवर्टाइजमेंट पे जाओ और काम स्टार्ट कर दो। बिकॉज यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, ये सारी चीजें टाइम लेती हैं और ये टाइम के हिसाब से ग्रो होती हैं। अगर आप इन चीजों पे जा रहे हो और आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं 30 दिन में लाखों रुपए कमाने लगूंगा, 1000 रुपए कमाने लगूंगा, तो ये हो भी सकता है और ज्यादातर चांस है, 90% चांस है कि ये नहीं होने वाला, बिकॉज ये चीजें जो है वो टाइम लेती हैं, 3 से 6 या 1 साल भी, और उतना समय बाद ही आप कहीं अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे। बट जो सातवां है पेड एडवर्टाइजमेंट, वो है गेम चेंजर। तो अगर आप अपना गेम चेंज करना चाहते हो 1 महीने, 10 दिन या 1 हफ्ते या 1 दिन में, तो पेड एडवर्टाइजमेंट इज द बेस्ट वे। और मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा भी पैसा एफोर्ड कर सकते हो तो आप पेड एडवर्टाइजमेंट के साथ जाओ, बिकॉज यहाँ मेरा यही काम है कि मैं आपको सही सही चीजें सजेस्ट करूँ। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो करना लाइक, अगर आपको कोई भी कमेंट है तो नीचे आप कमेंट करके जरूर पूछो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो। अगर गाइज आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या कंप्यूटर में मिल सके। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय, जय हिंद।